जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी के दिन। इस दिन भूल कर भी इन कामों को ना करें, इस दिन ध्यान रखें इन बातों का। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे ग्यारस व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन तीन दिनों में कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य के जगह पाप के भागी बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एकादशी तिथि का जो भी व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि और एकादशी तिथि के दिन, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर चने के साग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोदो के साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधु यानी कि शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न दिया हुआ बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत के दौरान पालन करना चाहिए। स्त्री प्रसंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। दातून करना और दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत, यह सब त्याग कर देनी चाहिए। उस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित होता है। एकादशी के व्रत को जहाँ तक हो सके उपवास रह करके इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार का सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी पत्र पूजन के लिए चाहिए, भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान के लिए तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रख लेनी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन वह तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने चाहिए। उनके ऊपर तुलसी पत्र भी चढ़ाना चाहिए और नैवेद्य का भोग लगाते वक्त भी भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाने चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जा करके जब व्रत का पारण कर लेते हैं उसके बाद चावल तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिल पाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह ग्यारस का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली इस व्रत में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी का व्रत वर्ष 2022 में कब किया जा रहा है तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार रात्रि 1:39 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:49। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह शुद्ध रूप से 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुसा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 3:02 से शाम 4:41 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा जो कि सुबह 11:21 से दोपहर 12:13 तक, सूर्योदय समय सुबह 5:17 और सूर्यास्त शाम 6:18। एकादशी के दिन सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र शाम 4:56 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मा योग शाम 7:06 तक, उसके बाद फिर इंद्र योग। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख को पाता है और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी व्रत को करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी पाप और ताप को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का इस दिन भर उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वाराह भगवान, आज मैं आपके वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में एकादशी के व्रत में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जा करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले, उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।